डायरेक्टर अनुराग कश्यप अब करण जौहर की फुल सपोर्ट में आ चुके हैं और उन्होंने ये तक कह दिया है कि करण किसी का करियर बर्बाद नहीं कर सकता, बल्कि करण ने तो बहुतों के करियर बनाए हैं। क्या है पूरी बात और क्यों दिया है अनुराग कश्यप ने ऐसा स्टेटमेंट, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जब से कंगना रनौत ने एक नेशनल टेलीविजन को अपना इंटरव्यू दिया है, तभी से नेपोटिज्म, इनसाइडर आउटसाइडर की बहस जो है वो जोर पकड़ गई है। और जहां एक तरफ कंगना ने नेपोटिज्म चलाने वाले लोगों को लताड़ा है अपने इस इंटरव्यू में, वहीं अगर बात करें अनुराग कश्यप की, तो उन्होंने इंडस्ट्री के बड़े बैनर को सपोर्ट किया है और कहा है कि यही वो बैनर्स हैं जो किसी को भी बड़ा बनाते हैं। इसके पीछे उन्होंने एक तुक दिया है। अनुराग कश्यप ने कहा है कि आज की डेट में आउटसाइडर्स को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है इन कंपैरिजन टू 10 years back। वेल, आपको बता दें कि अनुराग कश्यप की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि आउटसाइडर्स को इस इंडस्ट्री में जगह ही नहीं मिलती है। अनुराग कश्यप का कहना है कि वो ये बात 10 साल पहले की स्थिति के बारे में कह रहे थे, लेकिन आज सिचुएशन अलग है, आज आउटसाइडर्स को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो अपनी उसी वीडियो को क्लैरिफाई करते हुए अनुराग कश्यप कह रहे हैं कि 10 साल पहले तो आउटसाइडर्स को जगह नहीं मिलती थी, लेकिन अब आउटसाइडर्स के लिए यहां पर बहुत ऑप्शंस हैं। पहले सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन आज सोशल मीडिया है। अल्टीमेट पावर ऑडियंस के हाथ में होता है कि वो जिस पिक्चर का टिकट खरीद रही है उस पिक्चर में कितने स्टार किड्स हैं और कितने आउटसाइडर्स हैं। अनुराग कश्यप का कहना है कि जनता ही है जो कि स्टार किड्स के पीछे भागती है। तैमूर अली खान का एक फोटो आता है और सभी लोग उसकी फोटो को लाइक्स और लव देने लग जाते हैं। बचपन से ही स्टार किड्स को बहुत बड़ा बताया जाता है। अनुराग कश्यप से जब ये बात पूछी गई कि क्या आदित्य चोपड़ा और करण जौहर किसी का करियर बर्बाद कर सकते हैं, तो उन्होंने इस बात को नकारा है। उनका कहना है कि आउटसाइडर्स जो हैं उनकी पहली चॉइस होती है कि वो आदित्य चोपड़ा या करण जौहर के बैनर यशराज या धर्मा के साथ काम करें। यही कारण है कि अक्सर आउटसाइडर्स की लाइन लगी होती है इन प्रोडक्शन हाउसेस के बाहर। वहीं अनुराग कश्यप ने खुद का और हंसल मेहता का एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि हम जैसे डायरेक्टर्स जो कि ज्यादा से ज्यादा आउटसाइडर्स के साथ काम करते हैं, हमारे ऑफिस के बाहर कभी भी आउटसाइडर्स की इस तरह से लाइन नहीं लगती है फिल्मों में काम करने के लिए। अनुराग कश्यप का कहना है कि ये लोग ही हैं जो इन बैनर्स के पीछे भागते हैं और इन्हें इतना बड़ा बनाते हैं। इसी के साथ अनुराग कश्यप ने इस बात का दावा किया है कि करण जौहर किसी का भी करियर बना सकते हैं एक बड़ी फिल्म में कास्ट करके। करण जौहर एक फिल्म मेकर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन ही है। यही कारण है कि वो किसी का भी करियर बना सकते हैं, लेकिन वो किसी का करियर बिगाड़ सकते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। पर आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अनुराग कश्यप जो है वो शुरू से ही करण जौहर की सपोर्ट में आए हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में अनुराग कश्यप करण जौहर के साथ कई फिल्मों पर कोलैबोरेट कर चुके हैं और आने वाले टाइम में घोस स्टोरीज आने वाली है जिसमें करण उनके साथ है। लोगों का कहना है कि यही कारण है कि अनुराग कश्यप करण जौहर को इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, वरना लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि अनुराग कश्यप जैसा डायरेक्टर जो अपनी फिल्मों में सर जिंदगी की काली सच्चाइयां दिखाता है, वो जब बॉलीवुड की कुछ काली सच्चाई सामने आ रही है तो फिर कैसे पीछे हट रहा है। अनुराग कश्यप खुद भी एक आउटसाइडर है, वहीं कंगना रनौत जो कि आउटसाइडर्स के लिए हक के लिए लड़ रही है, वहां पर अनुराग कश्यप कंगना को सपोर्ट करने के बजाय वो उन्हें अपोज कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।